पति पत्नी में गलतफहमी का अंजाम या फिर नतीजा क्या हो सकता है? लड़ाई, झगड़ा, ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स। मैं कहूँ तंदूर तो एक ऐसा हत्याकांड जिससे राजधानी दिल्ली ही नहीं तो पूरे देश को हिला दिया। एक ऐसा हत्याकांड जिससे सुन के ही आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है। तंदूर का नमस्कार, मैं आपके साथ मोहिनी। आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। ये है सुशील शर्मा, यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता। 2 जुलाई 1995 को गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A में रात के 8:30 बजे सुशील ने अपनी पत्नी नैना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। सुशील को देखते ही नैना ने फोन काट दिया। जब सुशील ने वह नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मदबुल था। बस सुशील गुस्से से आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने रिवॉल्वर से नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला। गोलियों के हमले से नैना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद नैना की लाश ठिकाने लगाने के लिए सुशील को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपने ही आसपास के एक रेस्टोरेंट में तंदूर के भीतर लाश जलाने का प्लान बनाया। रात के करीब 1 बजे होंगे। सड़कें सुनसान, आसपास के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे। कैनॉट प्लेस स्थित अशोक यात्री निवास होटल में बगिया रेस्टोरेंट में तंदूर के अंदर एक शव जलाने की कोशिश की। नैना सानी नाम की एक महिला की हत्या के बाद उसका शव तंदूर में जलाया गया था। बाद में शव को जलाने के लिए उसने मैनेजर के, जो होटल का मैनेजर था, उसे मक्खन लाने भेजा जिससे शव आसानी से जले। शव को तंदूर में डालने के लिए पहले उसने चाकू से शव के कई टुकड़े किए। होटल से आग की लपटें निकलते देख सब्जी बेचने वाला अनुरा चिखने लगे। वह फुटपाथ पर ही सो रही थी। पास में गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गंजू ने रेस्टोरेंट पहुंचे और सच्चाई सामने आती है। नैना सहानी की पूरी तरह से जली हुई लाश बगिया के किचन के फर्श पर पड़ी हुई। उसको एक कपड़े से ढका गया था। रेस्टोरेंट के मैनेजर शव कुमार को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था। नैना के शरीर का मुख्य हिस्सा जल चुका था, सिर्फ नैना का जुड़ा था जो पूरी तरह से नहीं जल पाया था। आग की गर्मी की वजह से उनकी आतड़िया पेट फाट कर बाहर आ गई। अगर लाश आधे घंटे और जलती तो कुछ भी शेष नहीं रहता और जांच करने में भी मुश्किल आती। सुशील ने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। एम्स के प्रोफेसर टीडी डोगरा की अगुवाई में बोर्ड ने दूसरा पोस्टमार्टम किया। इस बार सिर और गर्दन के हिस्सों में 2 गोलियां निकली जो पहले पोस्टमार्टम में नहीं मिली थी। रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि नैना की मौत गोली मारने के कारण ही हुई। सुशील को 7 नवंबर 2013 को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुशील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शीर्ष अदालत ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। दिसंबर 2018 में 23 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुशील देखो ना कैसे एक मिसकम्युनिकेशन के कारण या फिर पहले कि एक गलतफहमी के कारण सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हुई। मरता एक है लेकिन सजा कईयों को भुगतनी पड़ती। आगे भी ऐसे क्राइम से जुड़े खबरें देखने के लिए बनी हमारे साथ। देखते रहिए द रिपोर्टर, क्योंकि सत्य कभी चुपता नहीं, वो आगे आ ही जाए।